हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप एक मल्टीवर्स में रहते हो और किसी दूसरे यूनिवर्स में उस मल्टीवर्स के आपका एक डॉपलगैंगर यानी कि दूसरा वर्जन रहता है और आप दोनों अपने अपने यूनिवर्सेस में एक अननोन सी सड़क पर चल रहे हो। नाउ सपोज फॉर सम रीजन आप दोनों के यूनिवर्सेस की टाइमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो क्या होगा? Well, according to famous theoretical physicist Michio Kaku, जिस पॉइंट पर क्रॉसओवर होगा, वो दोनों ही यूनिवर्सेस की इंफॉर्मेशन आपस में एक ह्यूमन के लेवल पर मेमोरीज के रूप में एक्सचेंज हो जाएगी और इसी वजह से आपके दोनों वर्जन को सडनली ऐसा फील होगा कि आप इस सड़क पर पहले भी चल चुके हो और आपके आसपास दिख रहे बिल्डिंग्स, घर, पार्क्स, ये सब कुछ पहले भी आपने देखा है। So yeah, this experience would be kind of similar to what we call deja vu. University of Zagreb की स्टडी के हिसाब से दुनिया के करीब 79% लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया। बट क्या इस deja vu के पीछे एक अनपॉपुलर कारण भी हो सकता है, जैसे मल्टीवर्स? Well, फिलहाल के लिए तो ये assertion सिर्फ और सिर्फ एक hypothesis है, इसके कुछ प्रमाण हमें अब तक नहीं मिले। बट एक चीज के प्रमाण अभी हमें मिल चुके हैं और वो ये है कि शायद मल्टीवर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, वही मल्टीवर्स जो कि अब तक सिर्फ थियरी में था, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे रहेंगे मल्टीवर्स के ऊपर, इसे प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जबकि हम तो हमारा जो फील्ड ऑफ विजन है वही हमारे यूनिवर्स के एज तक नहीं जा पा रहे, तो यूनिवर्स के बाहर क्या है इसे कैसे प्रूफ किया जा सकता है। बट इटली के ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है जिसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर दिया कि मल्टीवर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट साल 2017 में एक औरत ने तो ऐसा मल्टीवर्स से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस रेडिट पर शेयर किया। मैं कुछ आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो कुछ लोगों ने रिपोर्ट किए जिसको लिंक किया गया मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस से। आप मुझे बताना कि आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत है या इन एक्सपीरियंसेस के पीछे मल्टीवर्स ही इकलौता रीजन है, वो तो आप बताओगे, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस को जानते हैं। सो साल 2017 में एक औरत ने एक ऐसा मल्टीवर्स से जुड़ा एक्सपीरियंस रेडिट पर शेयर किया, आप सुनकर चौंक जाओगे। उस औरत ने यह दावा किया था कि उसके हस्बैंड के पैरेलल वर्जन ने दूसरे यूनिवर्स से उसे टेक्स्ट मैसेज किया। दरअसल साल 2017 में एक औरत को उसके फोन पर एक मैसेज आया, कोट, हू इज दिस। जब उस मैसेज को चेक करने के लिए उसने अपना फोन उठाया तो उसने ये देखा कि वो मैसेज उसके पति के नंबर से था, बट ऑन द अदर साइड उसका पति बगल में ही गहरी नींद में सो रहा था और उसका फोन भी साइड टेबल पर रखा हुआ था। फिर ये मैसेज आखिर कौन कर रहा था उसे जानने की क्यूरियोसिटी में उसने सेंडर से उसका नाम और मैसेज करने का रीजन पूछा। सामने से जवाब आया, मेरे फोन में तुम्हारा नंबर सेव्ड है बट मैं तुम्हें नहीं जानता और इसीलिए मैंने मैसेज किया। अब इस पर उस औरत ने ये पूछा कि किस नाम से उसका नंबर उसके फोन में सेव्ड है। उस सेंडर ने फिर कहा, वाईफाई विद अ हार्ट। अब ये जवाब सुनकर वो एकदम शॉक हो गई। वाईफाई इस नाम से उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बुलाता है, उसका अपना पति, यानी कि सेंडर समहाउ उसका अपना पति ही था। पर फिर उसी ही दिन दोपहर को जब उसने अपने एक्चुअल पति को ये घटना सुनाई तब उसने अपना फोन चेक किया एंड व्हाट ही फाउंड वाज कि उसके फोन से ऐसा कोई मैसेज सेंड ही नहीं हुआ था। हालांकि जैसे ही क्रॉस चेक करने के लिए उसने दोबारा अपनी वाइफ को मैसेज किया तब सरप्राइजिंगली उस औरत के फोन में ये नया मैसेज उस सेंडर के मैसेजेस के नीचे ही कंटिन्यू, व्हिच वाज एक्चुअली वेरी वियर्ड। अब इस घटना के बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, बट इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि जस्ट लाइक डेजा वू, अगर किसी पैरेलल यूनिवर्स में उसके हस्बैंड का कोई काउंटर पार्ट रहता है तो शायद उसके टाइमलाइन ने उसके ओरिजिनल हस्बैंड की टाइमलाइन को अगर क्रॉस कर दिया हो तो मे बी इस वजह से वो दोनों वर्जन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हो। अब फ्रेंड्स, आपका इस एक्सप्लेनेशन को लेकर क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में बताना। क्या आपको लगता है ये एक्सप्लेनेशन वैलिड है या फिर कोई और उसका मोर लेजिटिमेट रीजन हो सकता है? मैं पर्सनली तो इसमें बिलीव नहीं करता हूं बट मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। बट अब जरा इन इमेजिनेटिव और स्पेक्यूलेटिव एपिसोड से थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं लेजिटिमेट एक्सपेरिमेंट्स की जो ये प्रूफ करते हैं कि मल्टीवर्स शायद वाकई में एग्जिस्ट करता है। वेल फ्रेंड्स, मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए ना हमें बिग बैंग थियरी को वापस से रिविजिट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बिग बैंग थियरी को पूरी तरीके से नहीं समझते और उसके पीछे का रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बिग बैंग थियरी का आधा ही पार्ट बताया गया। फुल पिक्चर ऑफ द बिग बैंग क्या है ये मैं अब आपको बताता हूं।
अब फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं ज्यादातर लोग सिर्फ यही बताते हैं कि बिग बैंग हुआ और फिर उसके 10^30 पर यूनिवर्स एकदम तेजी से बड़ा हो गया, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन हो गया, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन स्टेज भी कहते हैं, और इन्फ्लेशन की वजह से वो अपने करंट फॉर्म तक एक्सपैंड हो गया। लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्स के फॉर्मेशन का आधा ही सच है। अगर आप इसके पूरे सच को समझ जाओगे तो आप यूनिवर्स के फॉर्मेशन के साथ साथ मल्टीवर्स के फॉर्मेशन को भी समझ पाओगे, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन की कहानी में ही मल्टीवर्स के फॉर्मेशन की भी कहानी छुपी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्मोलॉजिस्ट, बिग बैंग होने के जस्ट पहले सारी नोन एनर्जी एक पॉइंट पर केंद्रित थी और इसीलिए वो पॉइंट काफी अनस्टेबल था और एक ही झटके में एक बड़े धमाके के साथ फट गया, जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं। अब आप इसे धमाका कहो या रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस कहो, बात एक ही है। मैं यहां पर इसे धमाका कहकर बुलाऊंगा फॉर ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। माइंड यू, स्पेस यहां पर तेजी से एक्सपैंड होने लगा था क्योंकि बिग बैंग के तुरंत बाद हमारा यूनिवर्स बना ही नहीं था और जो चीज अभी एक्सपैंड हो रही थी वो सिर्फ स्पेस थी। यूनिवर्स को बनने में थोड़ा समय था। एनीवेज, बिग बैंग के बाद उस छोटे पॉइंट में मौजूद सारी एनर्जी इस इन्फ्लेटिंग स्पेस में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती चली गई। इस पॉइंट पर अगर कोई बाहर से इन्फ्लेटिंग स्पेस को देखता तो उसे वो बाहर से एकदम शांत और स्टेबल दिखाई देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस पर रखे दूध को देखने पर हमें वो एकदम शांत और स्टेबल दिखाई देता। बट असल में ऐसा होता नहीं है। उस दूध को मिल रही एनर्जी के वजह से उसके सबसे नीचे के पार्टिकल्स हीट अप होकर कन्वेक्शन की वजह से ऊपर सरफेस की तरफ बढ़ने लगते, जहां पर वो फिर से ठंडा होकर शांत हो सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए उन पार्टिकल्स के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, कन्वेक्शन की मदद से सीधा नीचे से ऊपर सरफेस पर जाना, और दूसरा दूध में बबल्स फॉर्म करके उनके जरिए सरफेस पर जाना। अब डायरेक्ट सरफेस पर जाने वाले पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बबल्स के रूप में जाने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बबल्स में एम्प्टी स्पेस के पॉकेट्स होते हैं जो उसके आसपास के गर्म दूध के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में लेस एनर्जेटिक होते हैं, और इसी वजह से उबलता हुआ दूध जो हमें बाहर से देखने पर ज्यादा स्टेबल लगता है, असल में वो बबल्स के कंपैरिजन में ज्यादा अनस्टेबल होता है। और हमारा यूनिवर्स भी कुछ इसी तरह का है। कॉस्मोलॉजिस्ट के अनुसार जैसे दूध को मिली एनर्जी के वजह से उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे करके पहले वाइब्रेट करने लगते हैं और फिर वहां पर बबल्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बिग बैंग से मिली एनर्जी ने भी हमारे स्पेस टाइम में कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशंस या सिंपली वाइब्रेशंस को जन्म दिया था, और फिर इन्हीं जगहों में कई सारे स्टेबल बबल यूनिवर्सेस पैदा हुए। पर इसका प्रूफ क्या है? वेल फ्रेंड्स, इसी साल इटली की ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट जैनिसिनी और उनकी टीम ने ओरिजिनली 1977 में प्रपोज्ड इस बबल यूनिवर्स थियरी को अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके भी दिखाया। दरअसल साल 1977 में अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट सिडनी कोलमैन ने बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स के साथ क्या हुआ होगा इसकी एक थियरी दी थी। इस थियरी के हिसाब से हमारा जो आज का करंट यूनिवर्स है, जो इतना स्टेबल नजर आता है, वो शायद इसीलिए स्टेबल है क्योंकि एक साधारण केमिकल रिएक्शन की तरह उसने भी एक बड़े एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया है। दरअसल एक साधारण केमिकल रिएक्शन में भी जब कुछ रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाना होता है तो उन्हें पहले एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन ट्रिगर हो। इस एनर्जी को आप एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हो। बट एक बार जब ये एनर्जी उसे मिल जाती है तो वो अपने इनिशियल रूप को छोड़कर उससे भी ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, और यही वजह थी कि सिडनी ने सोचा बिग बैंग के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उनके अनुसार बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड भी एक तरह फॉल्स वैक्यूम स्टेट में चला गया था, जो किसी वैक्यूम की तरह कुछ हद तक स्टेबल था बट नॉट कंप्लीटली स्टेबल, और इसीलिए फिर जब इस फॉल्स वैक्यूम में मैटर के बीच केमिकल रिएक्शंस होने लगे और स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सारी चीजें बनने लगी तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद मैटर को भी एनर्जी का एक बूस्ट मिला, और उस एनर्जी के पहाड़ को पार करने के बाद वो एक और भी ज्यादा स्टेबल स्टेट में पहुंच गया कॉल्ड ट्रू वैक्यूम, जहां पर प्लैनेट्स जैसी चीजें एग्जिस्टेंस में आ पाई। यानी कि दिस इज हाउ हमारा आज का ये स्टेबल यूनिवर्स बना। पर फ्रेंड्स, इस पूरे एक्सप्लेनेशन में ना ही मल्टीवर्स आया और ना ही बबल्स, तो ये एग्जैक्टली इस ऑलरेडी सेंसिबल स्टोरी में कहां पर सेंस बनाते हैं? तो देखो, सिडनी के अनुसार जैसे उबलते हुए दूध के केस में पार्टिकल्स के पास ऊपर सरफेस पर आकर ठंडा होने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक गर्म दूध में रहकर धीरे धीरे ऊपर आना और दूसरा बबल्स बनाकर जल्दी से ऊपर आना।
बिल्कुल उसी तरह बिग बैंग से मिली एनर्जी को भी लूज करके स्टेबल होने के लिए हमारे ब्रह्मांड के पार्टिकल्स के पास दो रास्ते थे। पहला ऑर्डिनरी बिग बैंग थियरी, जिसमें अभी हमने देखा कि कैसे चीजों ने एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके धीरे धीरे स्टेबिलिटी हासिल की, और दूसरा दूध के कुछ स्मार्ट पार्टिकल्स की तरह उन्होंने भी बबल्स फॉर्म करके एक स्टेबल लो एनर्जी स्टेट हासिल किया। सिडनी का कहना था कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ब्रह्मांड में मौजूद चीजें सिर्फ पहले रास्ते के जरिए ही स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन ये कंडीशन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्वांटम पार्टिकल्स पर लागू नहीं होता है। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, क्वार्क्स, ये अपने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम टनलिंग या सिंपली उस एनर्जी के पहाड़ के बीच से एक शॉर्टकट मार सकते हैं, जैसे दूध में फॉर्म होते बबल्स करते हैं ऊपर आकर सेम लेवल की स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। यानी कि इन शॉर्ट, जब ब्रह्मांड के कुछ शुरुआती पार्टिकल्स ने क्वांटम टनलिंग के जरिए स्टेबिलिटी हासिल की, तो एक्चुअली में क्या हुआ, उन्होंने अनगिनत बबल यूनिवर्सेस फॉर्म किए। एंड देयरफॉर इस पॉइंट के बाद यूनिवर्स का पिक्चर कुछ ऐसा था जिसमें एक ही बिग बैंग से ये सारे बबल यूनिवर्सेस बने, और हमारा यूनिवर्स भी उन्हीं में से एक बबल था और अब भी है। खैर, नाउ दैट आपको पता है कि मल्टीवर्स कैसे बना, अब आते हैं हमारे आज के मेन सवाल पर कि इटली के ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने इन सभी बबल यूनिवर्स से भरे मल्टीवर्स को अपने छोटे से लैब में कैसे बनाया। तो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सोडियम गैस को लिया, जो बिग बैंग के बाद वाले इन्फ्लेटिंग स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और फिर उसमें एग्जैक्टली यूनिवर्स के फॉल्स वैक्यूम कंडीशंस को मिमिक करने के लिए उन्होंने इस गैस को सुपर कूल किया, ताकि वो गैस एक एक्सट्रीमली स्टेबल और होमोजेनस रूप ले सके, कॉल्ड द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद इस बीईसी की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें मौजूद एटम्स अपने स्पिन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ अलाइन होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस गैस को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ताकि जब हम बिग बैंग की तरह इस लैब यूनिवर्स में भी एनर्जी दे तो उससे बबल यूनिवर्सेस पैदा। और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर बबल यूनिवर्सेस पैदा करने वाला ये लैब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद बबल यूनिवर्सेस के पैदा होने से पहले जो क्वांटम लेवल पर एनर्जी फ्लक्चुएशन शुरू होते हैं, उन्हें ट्रिगर करने के लिए उन साइंटिस्टों ने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे बीसी के ऊपर रेडिएशंस की बौछार करना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी एक फिक्स्ड वैल्यू डेल्टा एफ तक पहुंचती है, तो सडनली उस बीसी के सेंटर में मौजूद कुछ एटम्स बबल बनाते हुए ओरिजिनल बीसी से भी ज्यादा स्टेबल स्टेट में पहुंच जाते। बेसिकली उन्होंने बीसी के कुछ एटम्स को फॉल्स वैक्यूम से ट्रू वैक्यूम में जाते हुए एविडेंटली देख लिया। लेकिन अब आता है यहाँ पर एक और एक सवाल, रेडिएशंस की वजह से एटम्स एक लो एनर्जी स्टेट में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली अगर देखें तो उन्हें एक हाई एनर्जी स्टेट में जाना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या? Well, देखो, इस लैब में बने मल्टीवर्स में पूरा गेम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का है, जो साइंटिस्टों ने शुरुआत में ही दे दिया था। Now, let me explain in detail. देखो, मान लो आप किसी मैग्नेट के बीच एक और एक छोटा सा मैग्नेट रखते हो, तो क्या होगा? छोटा मैग्नेट बिना किसी रेसिस्टेंस के तुरंत अपने आप को बड़े मैग्नेट के हिसाब से अलाइन कर लेगा, ताकि वो खुद भी उस बड़े मैग्नेट का हिस्सा बन के स्टेबल हो जाए। पर अब मान लो कि हमने एनर्जी लगाकर उसे जबरदस्ती उल्टी दिशा में घुमाने की कोशिश की, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली वो शुरुआत में तो रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो उसके नेचुरल टेंडेंसी के विपरीत है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पर जब एक बार आप उसे पूरी तरीके से उलट देते हो, तो फिर वो उस बड़े वाले मैग्नेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेन अलाइन हो जाएगा, नाउ फॉर्मिंग टू स्मॉलर मैग्नेट्स। तो बेसिकली साइंटिस्टों ने जब उसे रेडिएशन एनर्जी दी, तब उसके कुछ एटम्स मैग्नेटिकली फ्लिप कर गए एंड और भी ज्यादा स्टेबल मगर छोटे छोटे बबल्स में ग्रुप हो गए। एंड दैट्स हाउ उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि इन्फ्लेटिंग स्पेस फॉल्स वैक्यूम से ट्रू वैक्यूम में बबल्स के रूप में पहुंचता है, और इस प्रोसेस के दौरान फॉर्म हुए बबल्स इंडिविजुअल यूनिवर्सेस बनते हैं। पर फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि क्या ये सच में मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है? वेल, अगर थोड़ा क्रिटिकली सोचे तो शायद एकदम पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एक फंडामेंटल कमी है। अब फ्रेंड्स, बिग बैंग के वक्त जो हुआ उसका पता हमने उससे निकले आफ्टर ग्लो, यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रेमनेंट्स की वजह से निकाला था, लेकिन उसी सीएमबी में हमें बाकी बबल यूनिवर्सेस के बनने का अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला। बट व्हाट इफ उसका प्रूफ सीएमबीआर में ऑलरेडी हो, जस्ट हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिसेंटली जेडब्ल्यूएसटी डेटा ने यह प्रूफ किया कि हमारी सीएमबीआर से कैलकुलेट की गई यूनिवर्स की एज एक्चुअली में गलत है। इस डेटा के मुताबिक यूनिवर्स जितना दिखता है उससे दुगने एज का है।
अब वो डेटा एक्चुअली में क्या बताता है, उसे देखकर साइंटिस्टों को ऐसा क्यों लग रहा है कि यूनिवर्स हमारा दुगना एज का है, और आखिर उन्होंने वापस से यूनिवर्स की एज को क्यों कैलकुलेट किया, इन सभी सवालों के जवाब मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में कवर कर लिया है, जिस पर आप क्लिक करके इसे देख सकते हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने मिला इससे, तो एक लाइक जरूर ठोक लेना, शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपकी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।